विमल यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। रानीगंज पुलिस ने अलग अलग जगहों से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चार आरोपी विपिन यादव, भावेश यादव, आशीष यादव और उमेश यादव से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में 8 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। 2 आरोपी रूपेश यादव और क्रांति यादव जेल में ही बंद है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर अब लेगी। वहीं 2 आरोपी फरार भी चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। कल अररिया के रानीगंज इलाके में बदमाशों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये बड़ी अपडेट बिहार के अररिया से पत्रकार विमल यादव की हत्या से जुड़ी हुई है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रानीगंज पुलिस ने अलग अलग जगहों से 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के अररिया में दरअसल कल पत्रकार को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विमल कुमार यादव की हत्या के मामले में उनके पिता हरेंद्र प्रसाद सिंह के फर्द बयान के आधार पर रानीगंज थाना कांड संख्या 323, धारा 302, 120, 34 आदवी और 27 आम सेक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें इनके द्वारा कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उक्त 8 नामजद अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि अभी जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और दावा पुलिस की ओर से ये कि बहुत जल्दी बाकी भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक इस मामले में 4 आरोपी को हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मृतक विमल यादव के पिता ने दावा ये किया है कि उनके बेटे ने पहले भी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की भी अब मांग की है। अब इसको मारिया देगा तो कोई कुछ होगा, जिसका उम्मीद था वो तो चला गया। अब इसको मारिया देगा तो लोग तो उठा के फेंकिया देगा। अपराधी को सजा मिल जाता तो अभी तक ये घटना होता थोड़े। 19 में घटना हुआ, उसका कोई सजा नहीं मिला। सुरक्षा का मांग किए हैं बाल बच्चे का, उन बाल बच्चे कहाँ रखेंगे, हम कैसे रखेंगे, ये भी हमको भय लग रहा है। और पत्रकार के पिता कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि अगर पहले ही कदम सख्त उठाए गए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इधर एक बड़ी खबर, बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दावा ये किया गया कि सुपौल जेल से पत्रकार को फोन करके धमकी दी गई थी। पत्रकार विमल अपने भाई की हत्या के केस में गवाह थे और पुलिस के मुताबिक पत्रकार विमल की इस मामले में गवाही होनी बाकी थी और उनके परिवार वाले इस हत्या की वजह बता रहे हैं। दरअसल बताया ये गया कि इनके ही बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि विमल एक मुख्य गवाह थे, जिनकी गवाही होनी बाकी थी। आरोप यह लग रहा है कि उसी मामले में कहीं गवाही ना हो जाए जो उन आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित होती, इसीलिए भी यह हत्या की गई होगी। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसके अनुसार, उनके परिजनों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्षियों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे, जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उस उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। और उधर पत्रकार विमल के रिश्तेदार ने बताया कि बदमाश सुबह के वक्त उनके घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही विमल कुमार यादव ने दरवाजा घर का खोला, वैसे ही बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है और बिहार सरकार पर अपराधियों के संरक्षण देने का आरोप भी लगाया।
लगातार आप लोग जब से अलग हुए हैं सरकार से, तब से आप भी कई बार आंकड़ों के जरिए दिखाएं कि किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में लगातार बढ़ रही हैं। आज जो